तो so, कौन सा यू सबसे बेस्ट है इस तरह के क्वेश्चन मतलब मुझे लिटरली अपने हर एक स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग या फिर जो भी मैं रिव्यू वीडियो बनाती हूँ वहाँ पर आते रहते हैं यू से रिलेटेड जैसे कि क्या यहाँ पर हमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा क्या हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर डुअल व्हाट्सएप फेसबुक या फिर डुअल मैसेजिंग एप्लीकेशन हम लोग चला सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एंड मैंने सोचा यार क्यों ना लोगों को यू में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मैं जितने भी फेमस और पॉपुलर यू हैं सबको एक साथ फीचर्स के हिसाब से कंपेयर कर दूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि कौन से यू में हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं और कौन से यू के अंदर इस तरह के इंपॉर्टेंट फीचर्स एकदम मिसिंग हैं लिटरली जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रही थी ना मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी है जहाँ पर मतलब मैं खुद ऐसे शौक हुई कि यार इतना पॉपुलर यूआई है फिर भी इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स कैसे मिसिंग हो सकते हैं आप भी जब वीडियो देखोगे ना तो आप भी सरप्राइज होने वाले हो फॉर श्योर sure. लेकिन हाँ अभी वीडियो शुरू करने से पहले हेलो जी कैसे हो आप सब लोग आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे बाय वे मैं अभी फर्स्ट क्लास हूँ अभी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे हमेशा हर वीडियो के नीचे पूछा जाता है क्या यहाँ पर हम कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं देखो कॉल्स रिकॉर्ड आप हर एक यूआई में कर सकते हो मतलब जहां पर गूगल डायलर होता है वहां पर भी कर सकते हो लेकिन वहाँ क्या होता है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं होता है मतलब आपको हर एक कॉल पर जाके क्लिक करना पड़ेगा तब जाके कॉल रिकॉर्ड होती है और सामने वाले बंदे को फिर भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है या फिर अब कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी है तो इस चीजें होती है आज के टाइम पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सिर्फ आपको दो ही, मतलब ही प्रोवाइड कर रही है एक है लो वहां पर आप ऑटो कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हो और यह सामने वाले बंदे को इन्फॉर्म भी नहीं करता रिकॉर्ड हो रही है बाकी इसके अलावा आप बात करो ऑक्सीजन ओएस की या फिर रियलमी यूआई की या फिर रेडमी का जो मी यूआई है सब में आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है तो हाँ ये चीज है वैसे आगे बढ़ने से पहले यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है देन मेक श्योर sure चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आती रहती है इस चैनल पर और हाँ बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना क्योंकि फिर नोटिफिकेशंस का पंगा हो जाता है ये नाम बट खैर अभी जो अगला फीचर है वो है ऐप लॉक का मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा कि इसका क्या एडवांटेज है बेसिकली काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको अपनी गैलरी एप्लीकेशन में या फिर व्हाट्सएप पर हर एक एप्लीकेशन पर इंडिविजुअली लॉक लगाना पसंद है ताकि उनका फ़ोन बिल्कुल प्राइवेट रह सके तो ऐसे केसेज में मतलब हर यू के अंदर ये फीचर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए मी यू आई रियल मी यू आई ऑक्सीजन ओ एस कलर ओ एस इन सब में आपको ऐप लॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा बट सैमसंग का जो वन यू है जो कि इतना फेमस है इतना पॉपुलर है और इतना ज़्यादा स्टेबल भी है यहाँ पर हमें ऐप लॉक का फीचर नहीं देखने को मिलता है FunTouch टच ओ में भी नहीं है मुझे अभी तक नहीं देखने को मिला है आई मीन फन टच ओ के साथ जो मेरा रिश्ता है ना वो अभी नया नया जुड़ने लगा है मैंने बहुत सारे फ़ोन्स फंट टच ओ पर नहीं यूज़ करें हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पहले से चेंज भी हो चुका है तो आप लोग मुझे बताना क्या कि किसी तरह से यहाँ पर हम ऐपलॉग को इनेबल कर सकते हैं या फिर इसके प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन में क्या ये फीचर होता है ये आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना बट आई क्यू में फंट टच जो ओ है यहाँ पर मुझे इस तरह का फीचर नहीं देखने को मिला है नेक्स्ट जो एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है जो हर कोई मांड करता है अपने यू में क्या हम लोग डोअल व्हाट्सएप लॉग इन कर सकते हैं या फिर नहीं अपने फ़ोन में आई I मीन mean, ये एक ऐसी चीज है यार जो आज के टाइम पर स्पेशली हर किसी को चाहिए होती है क्योंकि व्हाट्सएप की अगर बात की जाए तो काफ़ी लोग होते हैं कि एक अपना पर्सनल नंबर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक मेरा व्हाट्सएप ऐसा हो जो सिर्फ मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में या फिर बिजनेस के लिए यूज़ करूँ सिमिलर टू इंस्टाग्राम भी ऐसा होता है कोई अपना प्रोफाइल एक प्राइवेट रखना चाहता है और एक पब्लिक के लिए रखना चाहता है तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो या फिर नहीं तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें आप हर यू आई में कर सकते हो आई मीन सैमसंग में इसको डुअल मैसेंजर बोला जाता है तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आप सिर्फ मैसेंजर जो एप्लीकेशन है उन्हीं को क्लोन कर सकते हो मतलब जैसे कि व्हाट्सएप हो गया फेसबुक मैसेंजर हो गया उन्हीं को कर सकते हो इंस्टाग्राम को क्लोन करने का ऑप्शन मुझे अपने वन यू आई में नहीं मिला है ऑक्सीजन ओ एस में इसको पैरल यू आई पेडल ऐप बोला जाता है सॉरी पैरल ऐप बोला जाता है तो यहाँ पर भी आप मैक्सिमम सारी चीज़ों को क्लोन कर सकते हो स्नैपचैट फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह सबको लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन ओ एस अभी कलर ओ एस के साथ मर्ज हो गया है तो इसको बदल के ऐप क्लोनर इसका नाम रख दिया गया है तो मी यू आई में लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ये क्लोनिंग सिस्टम लगा है इसको बोला जाता है डुअल ऐप इस यू आई के अंदर और यहाँ पर मतलब आप ये व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम इनको तो क्लोन कर ही कर सकते हो लेकिन इसके अलावा भी मैंने काइन मास्टर वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है ये उसको भी क्लोन करने का मतलब ऑप्शन देता है यहाँ पर तो इसका मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही एडवांस लेवल के फ़ीचर हमें म, मी यू में मिल रहे हैं नेक्स्ट जो सुपर सुपर यूजफुल फीचर है वो है नेटवर्क स्पीड को ले आई मीन काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में मतलब काफ़ी सारे यू में आपको ये फीचर मिल जाता है बट कई सारे ऐसे भी यू है जहाँ पर इस फीचर को मिस कर दिया है जो कि होना ही होना चाहिए आई गेस हर यू के अंदर कहाँ पर ये नेटवर्क स्पीड आपको देखने को मिलती है स्टेटस बार में जहाँ पर आपकी बैटरी परसेंटेज शो होती है या फिर जो आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको वाईफाई कनेक्शन या फिर आपका नेटवर्क जहाँ पर शो होता है बेसिकली वहाँ पर ये स्टेटस बार में दिखता है नेट स्पीड आपकी अभी फिलहाल एट प्रेजेंट कितनी आ रही है और अभी मेरे पास मतलब फन टच ओएस ऑक्सीजन ओएस रियल मी यू आई हर में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी सिवाय वन यू आई क्या आई मीन सैमसंग का जो वन यू आई है इसमें आप ये नेटवर्क स्पीड इनेबल नहीं कर सकते हो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है अभी काफ़ी सारे लोगों का ये भी कंसर्न हो सकता है कि कहीं मैं कोर वर्जन तो नहीं यूज़ कर रही हूँ नहीं मतलब मेरे पास कोर वर्जन वाला वन यू भी है एम के अंदर और मेरे पास फुल फ्लैज वन यू भी है यार नेटवर्क स्पीड वाला तो बहुत ही जनरल फीचर है तो ये नहीं है मतलब वन यू में तो होना चाहिए डेफिनेटली बाकी देखो अभी अगर सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स के बारे में बात हो ही रही है तो इसी के बारे में डेडिकेटली बात कर लेते हैं कि कौन सा यू सबसे ज़्यादा सिक्योर है ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई भी नहीं है आई मीन लिटरली इंटरनेट के वर्ल्ड में या फिर मतलब इस तरह के डिजिटल वर्ल्ड में आप कुछ भी किसी को भी सिक्योर नहीं बोल सकते ये टोटली totally, टोटली totally आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हो आपकी सिक्योरिटी सीरियसली आप ही के हाथों में है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बट स्टिल कौन सा यू मतलब किसने एफर्ट मारा है अपने फ़ोन को सिक्योर बनाने के पीछे या फिर किस पर आप कुछ हद तक ट्रस्ट कर सकते हो अगर इसके बारे में बात की जाए तो देखो जो हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी है वो सिर्फ हमें सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी नॉक सिक्योरिटी जो कि एक हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसके काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स भी हैं जैसे कि सिक्योर फोल्डर हो गया ऑल जी लाइफ हो गया इस तरह के फ़ीचर्स मिलते हैं लेकिन इसमें भी कंडीशन है मतलब जो सैमसंग के थोड़े हाई एंड वाले फी है या फिर जो थोड़े प्रीमियम वाले फ़ोनस है वहाँ पर आपको वन यू फुल फ्लैश देखने को मिलता है जिसके अंदर नॉक सिक्योरिटी मिलती है और एक वो होते हैं जो थोड़े लोअर एंड के फोन्स होते हैं जहाँ पर वन यू कोर वर्जन देखने को मिलता है वहाँ पर हमें नॉक सिक्योरिटी नहीं देखने को मिलती वैसे हर कोर वर्जन में नॉक सिक्योरिटी ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है बट अभी जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो कि काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई I मीन mean, अगर आप अपना गेम प्ले वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर किसी भी वे में कोई एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको रिकॉर्ड करना है उस तरह से लोगों के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है आई I मीन mean, मेरे लिए तो पर्सनली है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहली बात तो हर एक यू में देखने को मिलेगी लिटरली हर एक यू में आई मीन स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड जो स्मार्टफोन है, स्मार्ट है मोटोरोला का उसमें भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दी हुई है मोटो ने तो हर कंपनीज़ को प्रोवाइड कर रही है बट सबकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है कंपनी के हिसाब से जैसे कि फ्रंट टच ओ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि आप नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर सकते हो जो कि स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे लेकिन रियल मी यू आई मुझे सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी है कि आप कैमरा भी मतलब फ्रंट कैमरा ऑन करके भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पर जो कि सबसे यूजफुल चीज़ है आई I मीन mean, अगर आप अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते हो साथ ही में अपना रिएक्शन भी लेना चाहते हो तो मतलब उससे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है इस तरह से काफ़ी लोग अपने यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते हैं सोशल मीडिया पर अपना गेम प्ले वगैरह शेयर करते हैं जो कि मतलब काफ़ी सही चीज़ है यहाँ पर बाकी तो आई होप कि इस ओवरऑल वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कौन से यू के अंदर क्या फीचर्स है और क्या फीचर्स मिसिंग है मतलब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है देखो काफ़ी लोग होते हैं जो कि फ़ोन के हार्डवेयर पर ध्यान देते हैं या फिर ये बोलो कि कैमरास वगैरह पर ध्यान देते हैं लेकिन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मैटर करता है यू भी जैसे कि मुझे अगर कॉल रिकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है तो सॉरी टू से बट मैं ऐसा फ़ोन नहीं ले सकती हूँ अपने लिए जहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ना हो चाहे कितना भी अच्छा फ़ोन क्यों ना हो तो कई बार डिसीज़न जो होता है वो यू पर मैटर कर जाता है लिटरली तो इस पर भी ध्यान देना मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है और आई होप ये वीडियो आपको इसके लिए हेल्प डेफिनेटली करेगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है किसी भी वे में हेल्पफुल है तो लाइक जरूर से करिएगा बाकी तो मैं आपको मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में